देवियों और सज्जनों, नमस्कार। इंडियन ऑयल संगीत सभा द्वारा आयोजित इस सुरमई शाम में मैं अनुराग शुक्ला आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इंडियन ऑयल आज अपनी संगीत सभा का 45वां संस्करण प्रस्तुत कर रही है। इस संगीत सभा में आप सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत। प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले इंडियन ऑयल संगीत सभा का एक छोटा सा परिचय आप सभी को देना चाहूंगा। इंडियन ऑयल संगीत सभा की शुरुआत भारतीय संगीत और संगीतज्ञों को सहायता व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से करीब 3 दशक पहले शुरू की गई थी और पिछले 3 दशकों में हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग की छत्र छाया में संगीत सभा आप सभी के मनोरंजन के लिए कई संगीतमय और रूहानी शामें प्रस्तुत करती आई है। इन 3 दशकों में इस संगीत सभा के अंतर्गत पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, येसुदास जी, शुभा मुद्गल जी, हरिहरन साहब, शुजात खान जी एवं वड़ाली ब्रदर्स जैसी संगीत जगत से जुड़ी कुछ विख्यात हस्तियां हमारे बीच अपनी कला प्रदर्शित कर चुकी हैं। आज की संगीत सभा अत्यंत ही खास है क्योंकि आज शाम हमारे बीच बहुमुखी प्रतिभा की धनी 2 हस्तियाँ मौजूद हैं। यूं तो उनका परिचय देना सूरज को रोशनी दिखाने के समान होगा, फिर भी उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज की पहली शख्सियत का नाम है श्री सुरेश वाड़कर। श्री सुरेश वाड़कर जी देश के सबसे बेहतरीन और सम्मानीय गायकों में शुमार किए जाते हैं, जो पिछले 4 दशकों से भारतीय सिनेमा में न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में भी सभी प्रकार के गाने गाकर अपनी गायकी का लोहा मनवा चुके हैं। श्री वाड़कर देश के लगभग सभी म्यूज़िक डायरेक्टरों, भले ही वो नौशाद साहब हों से लेकर आज AR रहमान तक, सभी के साथ काम कर चुके हैं। फिल्मी गायन के अलावा श्री वाड़कर ने काफ़ी भक्ति संगीत भी गाया है, जो कि हम सभी ने बहुत पसंद किया है। सुरेश जी ने 4 वर्ष की उम्र से गायन की शुरुआत की थी और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रभाकर की उपाधि अर्जित कर ली थी, जो कि उस समय गायन सिखाने के लिए आज के ज़माने के BEd डिग्री के समान होती है। श्री वाड़कर जी की प्रतिमा को सर्वप्रथम आचार्य जियालाल बसंत जी ने पहचाना था, जो कि उनके गुरु भी हैं, और इसी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुरेश वाड़कर ने आजीवासन नामक एक म्यूज़िक स्कूल की स्थापना की और इसके अंतर्गत अभी तक वह 5,000 से ज़्यादा बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे चुके हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है। श्री वाड़कर के स्कूल से निकले हुए शिष्य भी संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। श्री सुरेश वाड़कर जी ने राज कपूर बैनर के तरह काफ़ी फिल्मों में गाने गाए और एक समय ऐसा था जब ऋषि कपूर की आवाज़ ऋषि कपूर की नहीं पहचानी जाती थी, बल्कि जो सुरेश वाड़कर जी की आवाज़ थी वही लोग समझते थे कि यही ऋषि कपूर की आवाज़ है। और श्री वाड़कर जी के गाने हर उम्र के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, फिर भले ही वो सदमा का गीत हो, ए जिंदगी हमें गले लगा ले, या फिर परिंदा का तुमसे मिलकर ऐसा लगा, या अभी रिसेंट फिल्म है कमीने का रात के 2:30 बजे, या फिर हैदर का 2 जहां साथ ले गया हो, सभी उम्र के लोग श्री सुरेश वाड़कर जी की गायकी के मुरीद हैं। श्री वाड़कर को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 1978 से 2003 के बीच 11 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा श्री वाड़कर को मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड भी नवाजा गया है। श्री वाड़कर 3 बार नेशनल अवार्ड के लिए भी नामांकित किया चुका है। एक बार जोरदार ताली श्री वाड़कर साहब के लिए। आज की दूसरी बहुमुखी प्रतिभा जो हमारे बीच मौजूद हैं वह हैं सुनहरी आवाज़ के लिए मशहूर मेलोडी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति। 1971 से अपने रिकॉर्डिंग करियर की शुरुआत करने वाली श्रीमती कृष्णमूर्ति अपनी पहली रिकॉर्डिंग श्रीमती लता मंगेशकर जी के साथ बंगाली फिल्म के गाने के लिए की थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में फिल्म मांग भरो सजना और प्यार झुकता नहीं मैं गायकी के बाद कविता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अभी कुछ वर्षों पहले 1942 ए लव स्टोरी या मोहरा, बॉम्बे फिल्म और दिल चाहता है या देवदास जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ की जादू बिखेरी। कविता जी फिल्मों में एक अति प्रसिद्ध पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा और उन्होंने गज़ल और भक्ति गीत के साथ साथ इंडी पॉप गाने भी गाए। गायन के क्षेत्र में कविता जी के अथक प्रयासों के कारण ही उन्हें कई सम्मान मिले और
2005 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। कविता जी के अलावा शायद ऐसी और कोई फीमेल सिंगर शायद नहीं है जिन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का मौका मिला हो, 1995, 1996 और 1997 में। और विभिन्न भाषाओं के अनेक तरह के कविता जी ने करीब 15,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं और कविता जी को सच में नेशनल इंटीग्रिटी के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मैं एक बार आपसे विनती करूंगा कि कविता जी के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोनों सम्माननीय अतिथियों से कि वो मंच पर आएं, श्री सुरेश वाडकर जी एवं श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति। देवियों और सज्जनों, इंडियन ऑयल संगीत सभा के पैटर्न एवं इंडियन ऑयल के डायरेक्टर मार्केटिंग श्री बीएस कैंथ हमारे बीच मौजूद हैं। श्री कैंथ की भी कला व संस्कृति के क्षेत्र में हमेशा से ही रुचि रही है और आज का यह प्रोग्राम भी श्री कैंथ के मार्गदर्शन में ही आयोजित किया जा रहा है। मैं श्री कैंथ व मिसेस कैंथ से निवेदन करूँगा कि वह मंच पर आएँ और हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें। साथ में श्री सुबोध डाकवाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एवं ब्रांडिंग से भी निवेदन कि वे मंच पर श्री कैंथ का साथ दें। श्री कैंथ से निवेदन कि म्यूजिशियंस की टीम में से श्री सत्यजीत प्रभु एवं श्री प्रकाश वर्मा जी का भी सम्मान करें। श्री सत्यजीत प्रभु जो कि कीबोर्ड पर हैं, प्रकाश वर्मा जी और उनके वायलिन टीम के सदस्य, पूरी टीम का परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे बीच श्री अमर ओक जी फ्लूट पर हैं, अमोक दांडेकर जी गिटार पर हैं, मनीष कुलकर्णी जी बेस गिटार पर, सागर साठे जी कीबोर्ड पर, निषाद करलगीकर तबला पर, हेमंत भोसले साहब तबला पर, प्रभाकर मोमनकर जी कॉन्गो पर, अनिल करजनकर ढोलक पर, भिसाजी तावड़े ऑक्टोपैड पर। जोरदार तालियां सभी के लिए। वायलिन टीम के सदस्यों में श्री अभिजीत मजुमदार जी, चंदन सिंह जी, संजीव राव जी, प्रदीप ठाकुर जी, सुशील वर्मा जी, रिजवान शेख जी और मोहन गोयल जी। और
मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर कोरस में अनन्या वाडकर जी के साथ अजी वासन के अन्य छात्र। तो मुझे नहीं लगता कि जितनी आप सब लोग सामने बैठे हैं अब मेरे को थोड़ी सी भी देर और सुनना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री सुरेश वाडकर जी और कविता कृष्णमूर्ति जी से कि यह पूरा मंच आपके हवाले। थैंक यू।
नमस्कार। सभी उपस्थित रसिक भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत आनंद आ रहा है आज आप सबकी सेवा करने में। थोड़ा सा लेट हो गए तो बहुत ज़्यादा भाषण ना करते हुए गाने की शुरुआत करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं और आशीर्वाद दें। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे फिर कुछ नहीं है वादा। जब रोग ये लग जाता वो मैं हूँ प्रेम रोगी।
में अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, वो गुल गुलशन गुलजार न होता, होने का कुछ भी होता, पर ये सुंदर संसार न होता। मेरे इन ख्यालों में Thank you very much. एक बहुत खूबसूरत गाना मेरा आप लोगों ने पसंद किया था, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्यार के अफसाने
दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। ठीक लग रहा है ना? मेरी नौकरी पक्की है ना? चलो ठीक। हाँ जी, ठीक हुआ नहीं तो वापस गाता हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मराठी येणार ना, महाराष्ट्रात राहायचं आहे ना मला। हाँ जी, अब क्या है? सारा ही ऊंचे ऊंचे क्यों महाराज? अजय अपने लिखाने का काम करते, लिखा था बड़ी खूबसूरत गजल जो बहुत मकबूल हुई, जो पेश कर रहा हूँ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। थोड़ी चाय पिला। जरा भरून वाजवा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। स-
सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है सीने शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों शंकर विलास की चाय है सच्ची में चाय है ये देखिए
Bye-bye.
Thank you very much. Anji? Chota sa saaya tha, aankhon mein aaya tha, humne do boondon mein man bhar liya. Chota sa saaya tha, क्या बात है, वाह! मेरे भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू वेरी मच. मैं अभी आपके सामने हमारे भारत देश की बहुत ही टैलेंटेड सिंगर को मैं दावत देने जा रहा हूं. इन्होंने भी अपने भारत देश का नाम सारी दुनिया में किया है और ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने गाए हैं. कुछ खुशनसीबी मेरी भी है कि मैंने भी उनके साथ कुछ गाने गाए हैं. मेरी बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड है, मेरी वेल विशर है. पहले मेरी दुश्मन हुआ करती थी क्योंकि मेरे अपोजिट साइड में रहती थी. हाँ, बच्चा भी हंसा. और ये इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इतनी तैयार सिंगर है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ. मैं दावत दूंगा हमारी भारतवर्ष की मायानाज सिंगर, बहुत अच्छी लड़की, बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी सोल, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. नमस्ते. वणक्कम. वणक्कम. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. अभी जो जो आपसे
इन्होंने कहा बिकॉज ही इज माई फ्रेंड आई टोल्ड हिम यू मस्ट से दीज थिंग्स अबाउट मी, नहीं तो हमारी दोस्ती नहीं रहेगी, तो डर के मारे ये सब मेरे बारे में कह रही है. एक्चुअली जब सुरेश गा रहे थे मैं ये सोच रही थी कि मेरा भी बहुत लंबा सफ़र रहा है. इट्स बीन अबाउट, प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ माई एज, इट्स 40-45 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड एज सुरेश जी सेड, ही यूज्ड टू स्टे अक्रॉस द रोड. आई हैव सीन हिज स्ट्रगल्स, आई हैव सीन हिज डेडिकेशन. और द बेस्ट थिंग अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ इज नॉट द फैक्ट दैट आई हैव सांग सो मेनी सॉन्ग्स इन सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फॉर मी समटाइम्स ऑल दीज थिंग्स आर टोटली इनकॉन्सिक्वेंशियल. What really makes meaning in my life is when I'm with artists like him who are fantastic, dedicated. My time, my years which I have spent with artists like him, with composers like Lakshmikant Pyarlal and R.J. Burman, and dedicated artists like Suresh Vadkar, Manna Day, Hemant Ji, all the people I've sung with, you know, the moments I've spent with them in all this long journey of my life, those are my golden memories, and those are the things which are going to stay till the last day of my life. Not the fact that I sang a super hit song in this film or some song did well. I think fame and success is not in our hands. We keep trying. God, if God is kind, it comes to you. But what is lucky in life is when you have good friends, you have good colleagues, and people with whom you share music. And for me, that's what it is. And I will thank the Lord that I have a wonderful friend like Suresh Vadkar. I admire him immensely as an artist. The way he sang Air Zindagi today and Seene Mein Jalan, believe me, if you come for his next concert, it'll be different because he improvises and he sings it so differently. That's what makes him a great artist. I'm proud to be his friend today. And I'll say the same about some of these musicians. Prakashji, some of these violinists who are here today, believe me, they have been in the industry with Lakshmikant Pyarlal, with R.D. Burman. I have known them for so many years. They haven't changed. Hopefully, I haven't changed also too much. And thank you for being, and it's such a pleasure to be with all of them here today. My first song is dedicated to Lakshmikant Pyarelal. It's a song that I sang for a film called Bhairavi. It's probably one of the last major films that I sang for them. And the words are written by Amit Khanna Saab. It may not be my most popular Lakshmikant Pyarelal song, but it's a song that I like very much. So I'm pretty selfish and I'm going to sing this for you all. Thank you. I have a wonderful flutist, so I've asked him to play some opening lines for me. Thank you.
Thank you so much. You have some water? Please. Thank you. The next song is a song that I had the great privilege for singing for Panchamda R.D. Barman. और अक्सर ऐसा होता था कि मैं ऐसे टाइम में उनके लिए गाया करती थी और सारे गाने एक्चुअली बहुत फ्लॉप जाते थे. उनका टाइम अच्छा नहीं था. जो भी फिल्में मैं गाती थी, हम हैं, लाजवाब, बॉक्सर, सारे गाने फ्लॉप जाते थे. तो एक दिन पंचमदा ने मुझे कहा कि कविता, सॉरी, मैं तुमको एक दिन ऐसे फिल्म में गवाऊँगा जो फिल्म हिट होगी. आई प्रॉमिस यू अ गुड सॉन्ग. और जब ये गाना विद्यु विनोद चोपड़ा जी का फिल्म उन्होंने साइन किया, ही टोल्ड मी, देखो, आई प्रॉमिस यू अ गुड सॉन्ग, हियर इज़ अ गुड सॉन्ग, कम फॉर द रिहर्सल. और मैंने रिहर्सल किया और गाया इस फिल्म में, दो गीत गाए. लेकिन दुख की बात यह है कि वो इस फिल्म की सक्सेस देखने के लिए नहीं रहे. ही जस्ट डाइड अ फ्यू मंथ्स बिफोर दिस फिल्म गॉट रिलीज्ड. दैट्स अ डीप सैडनेस. बट थैंक्स टू हिम आई गॉट माई, आफ्टर अबाउट 12, 13 ईयर्स इन इंडस्ट्री, आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म फेयर फॉर दिस सॉन्ग इन 1994. सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दिस ग्रेट वंडरफुल आर.डी. बर्मन एंड वर्ड्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली रिटन बाय जावेद अख्तर साहब.